नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य रितेश पांडे पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं या अपने जीवन में आने वाले समस्या से परेशान रहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार के समस्या का समाधान बताया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नल में दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ते समय भूल से भी ना करें। यह गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव जी को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत फूल मिश्रित कर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए, इससे मां में पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य देव को जल चढ़ते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती, इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना, अब ये इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाई एवं कब जल चढ़ाई। चलिए अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ते समय हमें की बटन का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समाज है। आई जानते हैं भगवान सूर्य देव को जल चढ़ते समय होने वाली गलतियां के बड़े में हो सकता है कि इन्हीं गलतियां के कारण आपके रोजाना भगवान सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात पूर्व की और मुख रखें। भगवान सूर्य देव जी को सदैव पूर्व की और मुख रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ते समय उसे जल के चित आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं स्थान से भगवान सूर्य देव जी को देने वाला जल आपके पर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ते वक्त आपके पर में जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ते भगवान सूर्य देव के इस मंत्र का जप करें, ओम सूर्य या नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किया जल ना चढ़ाई भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान किया भगवान सूर्य देव जी को जल चढ़ाए, भगवान सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किया उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जी करण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उसे कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बार, ताम्रपत्र का प्रयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा, प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से भगवान सूर्य देव जी को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच यदि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैस निकलते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त ही आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियात्मक भी पूर्ण होनी चाहिए। आप वस्त्र पहनकर ही सूर्य को राधे दें, ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी, पश्चात अक्षत एवं फूल अवश्य हो। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ते हुए जल में अक्षत होली फूल अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से कम चला सकते हैं, बस खाली केवल जल चढ़ाई। छठी बात, हाथ सर के ऊपर रखें। सदैव अपने हाथों को सर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो इस धारा से भगवान सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा होती है एवं व्यक्ति के मां में पॉजिटिव ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं, पश्चात चप्पल ना पहने भूल से भी आपके पर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य देव जी को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो सांप से रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी कम रुख हुए हैं वो सभी कम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदैव भगवान
सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं पश्चात रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाई। दिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाई या ना चढ़ाई, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गण में परिवर्तित हो जाएगा। सदा भजन ले। यदि आप भगवान सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ते हैं तो इस पश्चात का ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांस आहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपाय के बड़े में तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान सूर्य देव की पूजा करनी है, लेकिन के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव जी की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पत्र लेना है। उसे तांबे के पत्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव जी को हर रविवार को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को अवश्य करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास। तो केवल स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव जी को जल भी कर देते हैं, तब भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियां से मुक्ति मिलती है। जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जप आप यथा संभव कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी दर आप जल दे रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर भगवान सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से जैसे भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते ही समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी जप में यदि कोई बड़ा आई है तो वह दूर होती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। कभी बाहर के दिन सुबह जब आप भगवान सूर्य देव को राधे देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गन मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। यदि आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है। भगवान सूर्य देव को तो जब आप भगवान सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी कम बने जाते हैं। यदि आप यह दान करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो कम होते हैं, जो रुक हुए हैं, बने जाते हैं, भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कम ही आ गई है और आत्मविश्वास आपका होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल सदन का तिलक लगे लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को राधे दे दीजिए, और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके पश्चात उसे तांबे के पत्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा गही जाता है, उसे पत्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने तट पर लगाना है। यदि आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है, आपकी सभी कम बने जाते हैं। आप यदि व्यापार करते हैं तो आप जींस भी डीलिंग करते हैं, जींस भी आपका व्यापार है, जींस भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपा पन चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए। यदि आप किसी ब्राह्मण को
लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। यह आप साथ रविवार कर लीजिए जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से अपने शुरू किया तो साथ रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र हो जाता है, ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी कम पर निकालना चाहिए, जैसे प्रातः कल थोड़ा सा गुड़ का लेते हैं तो इससे भगवान सूर्य देव बाली हो जाते हैं और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर यदि भगवान सूर्य देव को चढ़ते हैं तो इससे दिल भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्य यह देव को अर्पित करने के पश्चात आप यह खीर प्रसाद रूप भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी होती है जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है, व्यापार हो जब हो हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और यदि आपके घर में कोई बीमा है, बहुत समय से बीमा है, तो उनसे कहें कि वो भगवान सूर्य देव जी को तांबे के पत्र में होली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पत्र में डालकर थोड़ी जीरो या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बाली हो जाता है तो मनुष्य बस बढ़ता है, आत्मा के कारक हैं सूर्य देव। और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगन से मुक्ति मिलती है, नेगेटिव शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयाँ शीघ्र ही कम करने का जाती हैं। रविवार के दिन आदित्य स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना। हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके माँ में कोई भी कम ना हो, जैसे हमने शुरू में ही कहा, गन चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, जब में सफलता चाहिए, सरकारी जब चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो उसे समस्या से मुक्ति अपने के लिए आपका आत्मविश्वास बाली बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति का लेंगे। और आत्मविश्वास की प्रताप तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं। यहाँ आप वृक्ष कीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से गिरे हुए हैं, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो ये उपाय अवश्य कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेलपत्र डालना है और इस बेलपत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पत्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगाजल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा होली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। क्या होता है, चावल होता है जिसके टूटे हुए डेन ना हो, बिल्कुल सबूत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत होली और बेलवा पत्र डालकर सूर्य देव को जल देना है।